मैं पप्पू आज तो एकदम फुल टू एंटरटेनमेंट है, एकदम फुल टू एंटरटेनमेंट। अरे यार सलिया भाई का फाइट जो है, टिकट ला जल्दी। अरे निकल टिकट है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म होती है क्योंकि आपका मनोरंजन करने के लिए एक बार फिर आ गया है सलिया। और जिन लोगों को रिकॉर्ड में इंटरेस्ट हो उनको बता दूं कि ये सलिया की 100वीं फाइट है, 100वीं। और पिछली 99 फाइट में से एक भी मैं आज तक नहीं हारा, मगर इस बार हारेगा तू। तेरी अपनी बनाई हुई साख को हम मिट्टी में मिला देंगे। सुन ले मच्छर, तू आएगा इस रिंग में अपने पैरों से, लेकिन यहां से वापस जाएगा एम्बुलेंस में, एम्बुलेंस में। तेरा नाम सलिया की जगह सरिया होना चाहिए, ताज भाई उसको भी मचल देता। तेरा नाम जो भी हो, मैं तेरा हश्र इससे भी बदतर करूंगा, आजा। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, चलिए फाइट शुरू करते हैं और देखते हैं आज की फाइट का विजेता कौन होता है, सरिया या रघु। सरिया, सरिया। सलिया भाई को सेंचुरी की बहुत बहुत बधाई। अगली बार किसी असली शेर को लेकर आना, ऐसे कादी शेर को नहीं। सलिया, 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 सलिया। तो बोलिए दोस्तों, है आप में से कोई और जो सलिया भाई के साथ इस रिंग में 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट बिता सके? मैं उसको 1,00,000 रुपए इनाम दूंगा। जी हाँ, 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। क्या हुआ, क्या हुआ, आप में से कोई भी खाते पीते घर से नहीं आया क्या? चलो 5 मिनट भी छोड़ो, 2 मिनट, 2 मिनट यानी सिर्फ 120 सेकेंड। है कोई? आओ। 2 मिनट बहुत ज्यादा है इसके लिए, 25 सेकेंड, सिर्फ 25 सेकेंड। 25 सेकेंड में तुम्हारे सलिया का होलिया बिगाड़ दूंगा मैं। ओ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? विराट नाम है मेरा। तुमसे जो पहले आया था ना, वो भी इसी तरह भौंक रहा था, अगर दम है तो रिंग के अंदर जाके दिखा। सलिया तेरी ऐसी बैंड बजा देगा ना, तुझे पता भी नहीं चलेगा, समझा? तुम्हारे सलिया की किस्मत आज अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ लड़ने के मूड से नहीं आया, मैं तो सिर्फ अपने दोस्त से मिलने आया। लेकिन एक वादा तुमसे करता हूँ, जिस दिन मूड में आया ना, उस दिन तुम्हारे इस मिट्टी के शेर को धूल जरूर चटा दूंगा। अरे सुनो 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 भाइयों सुनो, ये आदमी सलिया से लड़ने के लिए तैयार है और कह रहा है कि 25 सेकंड में उसे हरा देगा, 25 सेकंड में। अरे ले जा इसे, अरे ले जा, 25 सेकंड। देख भाई, मैं लड़ने के मूड से नहीं आया हूँ,
मैं लड़ने के मूड से नहीं आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ यहाँ पे। सलिया, 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 सलिया। लेके जाओ इसको किसी हॉस्पिटल में, और अगर ये मर गया तो मेरे पाप का घड़ा भर जाएगा। लेके जाओ उसे। अबे बहुत हीरो समझता है तू अपने आप को। लेट है तू तेज। आइंदा मत कहना कि मैं वक्त का पाबंद हूं। राजा हो गया तेरा। चलिए बता, यहां की बुलाया था मिलने के लिए, और कोई जगह मिली नहीं थी तुझे? शरीफों वाली जगह मुझे थोड़ी बोरिंग लगती है। तू नहीं सुधरेगा। बता मेरी याद कैसे आ गई? तुझसे एक बहुत जरूरी काम है मुझे। मुझसे? हाँ। चुके
लोग सीआईडी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, शहर के नागरिकों की सुरक्षा एक काल्पनिक सपना बनता जा रहा है, साथ साथ खून हुए यहाँ पे इसी जगह पे। चलिए बात करते हैं एक ऐसे शख्स से जो इस खूनी खेल में से एक बचा अकेला इंसान है। चलिए आपकी बात कराते हैं पप्पू से। पप्पू जी जरा विस्तार से बताइए कि आखिर हुआ क्या था। मैं फाइट देखने आया था, सलिया की फाइट। तो आप कह रहे हैं कहीं से एक अचानक अद्भुत शक्ति आ गई जिसका नाम तेज था और उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पता नहीं, तेज शक्ति थी या आत्मा, हम में से कोई उसे देख नहीं पाया। हालत देख के लगता है कि बहुत ही ताकतवर इंसान था वो, जिसने इन्हें उठा उठा के दीवार पे फेंका, फर्नीचर पे फेंका और इनकी जान ले ली। मगर सर, पप्पू बता रहा था कि यहाँ बहुत सारे लोग थे। अब एक अकेला इंसान इतने सारे लोगों को मार रहा था पर किसी ने कुछ किया नहीं। पप्पू ये भी तो कह रहा था कि वो लोगों को मार तो रहा था मगर किसी को दिख नहीं रहा था, इसका मतलब वो आत्मा था। आत्मा ही होगी, अगर आदमी होता तो सबको दिखता। अरे यार फ्रेडी, फिर से शुरू मत हो जाओ यार। मंच बाहर जाके पप्पू को बुला के लाओ। ओके सर। सर हाँ काम। सर ये देखिए, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। सीसीटीवी कैमरा यहाँ पे? मगर सर ये तो टूटा हुआ है, इसका क्या फायदा? टूटा हुआ तो क्या हुआ, है तो कैमरा, कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। अबे देखो कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है क्या? यस सर। यहाँ पे अक्सर फाइट होती रहती है? हाँ साहब, हर शनिवार को। खैर कानूनी? जी जी साहब। घबरा नहीं, तुम कह रहे थे कि वो अकेला सबको मार रहा था। जी जी साहब। और दिखाई नहीं दे रहा था? जी साहब नहीं दिख रहा था वो, मैं सच बोल रहा हूँ। और वो विराट, विराट कहाँ खड़ा था? साहब वहाँ। कहाँ पे? यहाँ यहाँ साहब, यहाँ। हाँ विराट ने सलिया को उठा के उधर फेंक दिया। हाँ हाँ साहब। और उसके बाद तुम और तुम्हारे साथी उन लोगों ने विराट को यहाँ पे घेर लिया। जी 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 साहब। और फिर विराट का दोस्त तेज आया और उसने तुम सबको उठा उठा के फेंक दिया। हाँ हाँ साहब। विराट का चेहरा तो अच्छी तरीके से देखा है ना तुमने? हाँ साहब। विक्रम लेके जाओ, स्केच बनवाओ। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात सात आदमी मर गए। सर पप्पू सही कह रहा था, ये तेज तो पूरी फुटेज में कहीं नजर ही नहीं आ रहा। एक बार जरा ये फिर से चलाओ और इस बार स्लो मोशन में। यस सर। हाँ सर, स्लो मोशन में नजर आ रहा है। ये आत्मा कैमरे में कैद कैसे हो गई? ये आत्मा नहीं है फ्रेडी, इंसान है, बहुत तेजी से भागने वाला इंसान। सर पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान इतना तेज कैसे भाग सकता है? दिस इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। हाँ सर, ये तो हवा से भी तेज भाग रहा है। अगर इसे ओलंपिक में भेज दे तो ये अपने देश का नाम रोशन कर देगा। मामला सीरियस है फ्रेडी, सात सात लोगों का खून कर चुका है, मजाक मत करो।
तो जल्दी से नहीं रोका गया तो पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। प्लीज तो ये है तेज, कमाल की स्पीड है। एक बार फिर से पीछे से चलाओ और इस बार नॉर्मल स्पीड में। इसके हाथ पे कुछ दिख रहा है, तो ज़ूम करो। अरे सर ये तो टैटू है। सर इन दोनों के हाथ पे बिल्कुल एक जैसा टैटू दिख रहा है। टैटू एक जैसा है काविन, मगर टैटू के अंदर का नंबर ये अलग अलग है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों किसी खास ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के लिए काम करते हैं? लगता है। आगे चलो, आगे चलो। तो छत फाड़ के ऊपर चला गया। विराट, सर जल्दी आइए। सर विराट तो मर चुका है। ये पट्टी कैसी है, खोलो इसे। सर ये कैसी पट्टी है, ना तो खुल रही है और ना ही कट रही है। क्या? हाँ सर ये देखो। पंकज तुमने ऐसा टैटू देखा है किसी की बॉडी पर जो दिन में भी चमकता? नहीं सर, ऐसा टैटू तो मैंने कभी नहीं देखा। इसकी इंक क्या कोई खास किस्म की है? बनाया तो किसी खास किस्म की इंक से ही है, लेकिन ये कौन सी इंक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये अभी तक पता नहीं चला है। तो फिर हो सकता है कोई नया तत्व, कोई नया एलिमेंट का आविष्कार किया गया हो या फिर पता चल गया हो। बॉस अगर नया आविष्कार होता तो सबसे पहले सालूखे को पता चलता। हाँ ये बात तो है। अच्छा एक बात बता, टैटू के अलावा और क्या खास बात पता चली इस विराट के लाश में से? अरे इसके शरीर में सब कुछ खास ही खास है, आम कुछ है ही नहीं। ये तो खास शरीर है बॉस। क्या मतलब? मतलब बताता हूँ। ये देखो, ये इस विराट की रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी है? मैं भी चौंक गया था बॉस, बाल खड़े हो गए थे मेरे ये देख करके। ये चीज क्या है? सर इसकी रीढ़ की हड्डी तो मेटल की लग रही है। हाँ निखिल, मेटल ही है। इंसान को उसके शरीर की ताकत उसके रीढ़ की हड्डी से मिलती है। जितना शक्तिशाली उसका स्पाइनल कॉर्ड होता है उतना ही शक्तिशाली वो इंसान होता है। और इसीलिए इस विराट ने ऐसी ये मेटलिक स्पाइनल कॉर्ड अपने शरीर में लगाया था ताकि वो दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली इंसान बन सके। अगर ये इतना ही शक्तिशाली था तो फिर ये मरा कैसे? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि वो दूसरा आदमी इससे ज्यादा ताकतवर था। मुझे तो ये विराट और वो दूसरा दोनों एलियंस लगते हैं। और एक खास बात बॉस, इस विराट के दिमाग में मुझे एक खास किस्म की चिप मिली है। इसका दिमाग एक चिप से चलता था? लगता तो ये है। शायद इस चिप में कोई खास प्रोग्राम एनकोड किया गया था, लेकिन ये प्रोग्राम क्या है ये पता लगाने में थोड़ा वक्त लगेगा। सर क्रिमिनल डेटाबेस में अच्छे से चेक कर लिया है पर विराट का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है। विराट का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं क्योंकि विराट एक खास मुजरिम है, खास मुजरिम, खास मुजरिम।
खास मुजरिम के रिकॉर्ड्स खास डेटाबेस में होते हैं। हमारे आर्काइव्स में जाकर चेक करो। ये देखो, किसी टैटू वाले का रिकॉर्ड है तो सही यहां पे, जिसके दिमाग में चिप थी, और फाइल नंबर है LOG45378। एक मिनट सर, अभी निकालता हूं वो फाइल। लीजिए मैम। थैंक यू। सर ये देखिए, डॉक्टर केलवा, इस आर्टिकल में लिखा है कि 5 साल पहले उन्होंने एक ऐसे मरीज का इलाज किया था जिसके हाथ पर ठीक ऐसा ही टैटू था और दिमाग में ऐसी ही चिप। डॉक्टर केलवा, मिलना पड़ेगा इस डॉक्टर केलवा से। एक्सक्यूज मी डॉक्टर केलवा। यस आई एम डॉक्टर केलवा, आप लोग? जी डॉक्टर, हम लोग CID से, आपसे एक खास बात करनी थी, आपके 10-15 मिनट ले सकते हैं हम? हाँ क्यों नहीं, बताइए ना, कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आप लोगों की? डॉक्टर साहब, 5 साल पहले आपने एक ऑपरेशन किया था जिसके बारे में मैगजीन में आर्टिकल भी छपा था, ये याद है आपको? यस, मैं कैसे भूल सकता हूँ, काफी चर्चा हुई थी इसके बारे में। चर्चा हुई थी क्यों? क्योंकि जिसका मैंने ऑपरेशन किया था वो एक खास किस्म का मरीज था। खास मरीज? डॉक्टर साहब, इस मरीज के बारे में आप हमें डिटेल में बता सकते हैं? हाँ आइए। मैंने हाईवे पे एक रोड एक्सीडेंट होते हुए देखा, एक तेजी से कार आई और एक आदमी को टक्कर मारकर चली गई। उस आदमी को मैं अपने हॉस्पिटल लेकर आया और जब मैंने उसके टेस्ट किए, स्कैन किए, तो मैं हक्का बक्का रह गया। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, इस आदमी के आंख की आसपास की जगह काफी डार्क है, क्योंकि इस आदमी की आंख थी ही नहीं। आदमी की आंख नहीं थी जी, और आंख की जगह एक ऐसा लेंस लगा था जो आंख की रोशनी से ज्यादा तेज था। ये क्या हुआ, आंख की जगह पे लेंस? और ये देखिए, सिर के पीछे मेमोरी चिप, जैसे किसी ने ऑपरेशन किया हो, आंख की जगह लेंस और दिमाग में मेमोरी चिप डाल दी हो। डॉक्टर साहब, इस मरीज का नाम क्या था? अखिल। अखिल? सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सीरियस एक्सीडेंट होने के बावजूद वो मरीज 3 दिन में रिकवर होकर चला गया। मैंने आज तक किसी मरीज को इतना जल्दी रिकवर होते हुए नहीं देखा, मानो कि वो बाकी इंसानों से एकदम अलग था। लेकिन हाँ, वो एक शालीन और सुशील किस्म का इंसान था। जाने से पहले उसने इतना भी कहा था, मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। समझ लीजिए डॉक्टर साहब कि वो वक्त आ गया है जब अखिल अपने एहसानों का बदला चुकाएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, शहर में अनोखी मौतों का तांडव रचा हुआ है। तेज नाम का एक आदमी हवा से भी तेज चलता है और लोगों को अपना शिकार बनाता है। क्या आपको वाकई लगता है कि तेज एक आदमी है या फिर कोई आत्मा या फिर कोई एलियन? अपनी राय हमें SMS करें नीचे दिए जा रहे हैं नंबर पे। तेज, तेज मुझे भी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको लगता है कि तेज एक आदमी है तो SMS करें तेज एक, और अगर आपको लगता है कि तेज एक आत्मा है तो SMS करें तेज बी, और अगर आपको लगता है कि ये अंतरिक्ष के किसी दूसरे कोने से आया हुआ कोई एलियन है तो SMS करें तेज सी। अखिल, मैं डॉक्टर केलवा। डॉक्टर केलवा, अगर तुम मुझे सुन सकते हो या देख सकते हो तो तुरंत मुझे फोन करो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं और सिर्फ तुम ही हो जो मुझे मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। अननोन नंबर, हो सकता है अखिल का फोन है, उठाइए। हेलो। हेलो डॉक्टर केलवा। अखिल कहाँ हो तुम? डॉक्टर साहब, मुझे आपका मैसेज मिला,
अखिल तुम्हें मालूम तो है शहर में किस किस तरह की अफवाह फैल रही है, एलियंस की बातें कर रहे हैं लोग। डॉक्टर साहब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं अखिल मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम किसी मासूम की जान नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारे बाजू पे ठीक वैसे ही टैटू है जैसे उस खूनी के, इसलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम कानून की मदद करो उस खूनी तक पहुँचने में। डॉक्टर साहब आपने मेरी जिंदगी बचाई है, इसके लिए मैं आपका एहसान मंद रहूंगा हमेशा के लिए, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप इस मुद्दे से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। देखो आखिर ये देश का मुद्दा है, अभी देश का मुद्दा समझे, जल्दी से बताओ आदमी है कहाँ, कहाँ है वो खूनी? आप कौन? अखिल मैं एसीपी प्रद्युमन सीआईडी से। इससे पहले जो डॉक्टर केड़वा ने तुम्हें संदेश भेजा था वो हमारे कहने पर। डॉक्टर साहब इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? अखिल हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे पीछे तेज है, तेज ने सबसे पहले विराट का काम तमाम कर दिया, अब मेरा ही नंबर है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे कोई नहीं बचा सकता। कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें, बताओ बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? गुड बाय। अखिल फोन कट कर दिया, पता लगाओ जल्दी कहाँ से फोन आया था। हेलो विद्युत मैं अखिल, यार बहुत डर लग रहा है यार, तू आ सकता है मेरी मदद करने के लिए? मुझे लगता है विराट को मारने के बाद तेज अब मुझे ही मारेगा, प्लीज यार आ जा यार। हाँ मैं यहाँ पर जगतपुरा में एक बंद मिल है उसी में हूँ, आ रहे ना? थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अखिल को मेरी मदद चाहिए तेज से बचने के लिए, मुझे बचा लो विद्युत, मुझे बचा लो, तेज बहुत ही बुरा है, वो तो मेरी जान ही ले लेगा। उस बेचारे को क्या पता कि तेज और विद्युत की जोड़ी ऐसी है जैसे पतंग और डोर, कमीज और बटन, जूते और जुराबे। सही कहा तेज। सही कहा, उसने हमारा काम और भी आसान कर दिया है। कैसे? अरे हमें अपने घर का एड्रेस बताकर और ये बताकर कि उसके घर में घुसना कैसे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अखिल एक शार्प शूटर है, अगर उसने मुझे 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लिया तो वहीं गोली मारकर मेरा काम तमाम कर देगा। शार्प शूटर के हमेशा 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बताए कौन? अरे विद्युत और तेज। नहीं नहीं, उसकी आंखें और उसकी उंगलियां। शार्प शूटर हमेशा आंखों से तो निशाना साधता है और उंगलियों से टिकट दबाता है, लेकिन जब उसकी आंखें ही निशाना साधने के काबिल नहीं रहेंगी तो वो अपनी नाक पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं मार सकता। अच्छा तो अब मुझे समझ में आ गया कि उस निशानचीन की आंखों को धोखा कैसे देना है।
अखिल, अखिल, देश को रोक लो, नहीं तो वो। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे हम, अभी एम्बुलेंस आती होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये तेज कहाँ मिलेगा हमें? ड्रेनेज पाइप्स में। कहाँ? प्रैक्टिस। अखिल, तुम्हारी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी। अखिल, तेज ड्रेनेज पाइप में मिलेगा, मतलब वो किसी ड्रेनेज पाइप में भागने की प्रैक्टिस करता है। हम चाहकर भी इस साकिल को बचा नहीं पाए। सर, किसी भी तरह हमें इस देश तक पहुंचना होगा, न जाने और कितने लोगों की जान लेगा वो। हाँ, एक काविन और पंकज दोनों पता तो लगाने गए हैं कि किस ड्रेनेज पाइप में ये तेज प्रैक्टिस करता है। बस इस अखिल के दिमाग में भी वैसी ही चिप है जैसी कि विराट के दिमाग में। क्या क्या, विराट और अखिल दोनों के दिमाग में एक ही तरह का चिप? हाँ बस, एक जैसी चिप। तो सर, क्या अखिल की रीढ़ की हड्डी भी विराट जैसी है, मेटल की? नहीं श्रेया, इसकी रीढ़ की हड्डी मेटल की नहीं है। लेकिन बॉस, इस अखिल की बॉडी में मुझे एक और कमाल की चीज दिखाई दी है। वो क्या? जब मैंने इस अखिल की आंख चेक की, मुझे इसकी आंख में रेटिना की जगह एक ऐसी डिवाइस दिखाई दी, एक ऐसा लेंस जो जूम इन और जूम आउट हो सकता है। क्या कहा तुमने सर के? इसकी आंखों में दूरबीन जैसे जूम इन जूम आउट लेंस, ये कैसे हो सकता है सारों के? मैं भी यही सोच रहा हूँ बॉस, ये कैसे हो सकता है, मैं खुद हैरान हूँ। अगर ऐसा है, कमाल है। एक आदमी की स्पाइनल कॉर्ड मेटलिक है और दूसरे की आंख में एक ऐसी डिवाइस है जो जूम इन और जूम आउट हो सकती है, दूरबीन जैसी। ये लोग तो तबाही मचा देंगे सर, न जाने ऐसे कितने और लोग हैं जिनके पास ऐसी शक्तियां। पहले तो हमें पता लगाना चाहिए दया कि है कौन वो जो इन लोगों को ये शक्तियां दे रहा है। ठीक है, ओके, मैं देखता हूं। हाँ सर, कुछ पता चला उस ड्रेनेज पाइप के बारे में? हाँ सर, शहर में ऐसे दो ही ड्रेनेज पाइप हैं जो खाली पड़े हुए हैं सर, जिनमें से एक 1950 में बना था और दूसरा 1910 में। ओके, हाँ सर, सर निखिल का फोन था, एसीबी सर और निखिल ने दूसरा ड्रेनेज पाइप चेक कर लिया सर, वहां कुछ भी नहीं है। इसका मतलब साफ कि ये तेज यहीं पे भागने की प्रैक्टिस करता है। आओ देखते हैं क्या मिलता है।
एसीपी सर का फोन। हेलो सर। हेलो कविन, देखो जहां पर तुम और पंकज हो वहां उसी ड्रेनेज पाइप में ये तेज है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, फोन कट गया। वहां से आ रही सर, देखते जब तक ये दवा मेरे पास है कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता सिवाय सीआईडी के। बहुत हो गया तुम्हारा ये एलियन वाला खेल, अब जेल में सड़ने की तैयारी करो तेज। तुम्हारी खुशी के लिए जेल चल भी लूं, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया की कोई भी जेल हवा को कैद करके रख सकती है? कोई हवा नहीं बल्कि आम इंसान है और आम इंसानों की तरह तुझमें भी कमजोरियां हैं। अब तू सड़ेगा जेल में, चल। माना हमारी भी आम इंसानों जैसी कमजोरियां हैं, मगर हमारी शक्तियां तुम इंसानों से कहीं ज्यादा हैं। मुझे पता था विद्युत, तू जरूर आएगा। तू कभी अपने दोस्त को अकेला मुसीबत में छोड़ ही नहीं सकता।
बहुत शौक है ना तुम सीआईडी वालों को मुजरिमों से सवाल जवाब करने का। आज सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। बोल, क्या जानते हो हमारे बारे में? तुम देख दो ना पंकज, यही कि अब तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द या तो तुम लोग जेल में सड़ोगे या फिर ऊपर। हमें पहुंचाएगा ऊपर? ऊपर तो तुम दोनों जाओगे। तू बता सीआईडी हमारे बारे में क्या क्या जानता है, बता। कुछ भी हो जाए नहीं बताऊंगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.